मेरे राम आएंगे। आज अयोध्या प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की साक्षी बन रही है और इस दिन के लिए राम भक्तों ने लंबी प्रतीक्षा की है, कठिन परीक्षा भी दी है। बरसों बरस तक अयोध्या के कई अग्नि परीक्षाओं से भी अयोध्या को गुजरना पड़ा है। कल तक अयोध्या विवादों का दूसरा नाम थी, लेकिन आज अयोध्या विवादों से दूर एक नए स्वरूप में निखर रही है और इसका श्रेय जाता है ASI को भी, जिन्होंने ये साबित किया कि विवादित जमीन पर कभी राम मंदिर हुआ करता था। उन सबूतों को जुटाने वाले आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद आज हमारे साथ हैं और उन्हीं से हम जानते हैं कि आज अयोध्या जब बदल रही है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो विवादों से निकलकर, झंझटों से निकलकर किस तरीके से अयोध्या नए रूप में ढलती जा रही है। ऐसा है कि जुटाए सबूत कितने काम आए और आज जब विवादों से इतर अयोध्या नया रूप ले रही है तो आज उन्हें कैसा लग रहा है। के मोहम्मद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, कैसा आपको लग रहा है? इट्स ए मोमेंट ऑफ फुलफिलमेंट एंड ग्रेट सेटिस्फेक्शन। क्या दिन है होगा वो वाला, क्योंकि 500 सालों की बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है एंड उसकी जो परिणाम जो है वही, दैट इज व्हाट इज व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड इट इज ए ग्रेट मोमेंट ऑफ फुलफिलमेंट फॉर द इंडियन कंट्री। बिल्कुल। अब के मोहम्मद साहब, के एक वक्त हुआ करता था जब मंदिर है या नहीं इसका प्रमाण पूछा जाता था, इसके साक्ष्य पूछे जाते थे। अब कैसा आपको लगता था? वो तब तो बहुत ज्यादा था लेकिन अब उससे ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो ना क्लियर हो रहे हैं लेकिन फिर भी लोग जो ना विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब जो ना हिस्ट्री में चलते रहेंगे एंड वी शुड बी रेडी टू फेस ऑल दीज थिंग्स। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ लगने का। के मोहम्मद साहब, ऐसी क्या चीज थी जिसने आप में भरोसा जताया कि जमीन के नीचे मंदिर है? क्योंकि जब आप साक्ष्य ढूंढ रहे थे तो ऐसा ऐसा कौन सा वो पल आया था? देखिए सच्चाई जो ना, बिकॉज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है वो सबूतों के ऊपर आधारित है, ये नहीं जो किताबों में लिखा है उसके ऊपर नहीं, लेकिन जो जमीन से जो खुदाई करेंगे वहां आपको क्या मिलेंगे उसी के बेसिस पे है। सो वी हैड इनफ फेथ इन द आर्कियोलॉजी एंड वो बाद में जो ना रंग दिखाया एंड इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो जजमेंट जो दिया है एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड जजमेंट, क्योंकि मुसलमानों का जितना क्लेम था 2.7 acres ऑफ लैंड का, उनका डबल जमीन उनको दे दिया और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी जो ना वहाँ मस्जिद भी बनेगा एंड देन देयर विल बी ए ग्रेट कल्चरल सेंटर भी वहाँ बनेगा। एंड इसी तरीके से जो मामला था तो पिछले 500 years तक इन पूरा इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे एंड दैट इज बीइंग सॉल्व्ड इन ए वेरी वेल, बहुत ही अच्छे तरीके से इट इज बीइंग सॉल्व्ड। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि आज मंदिर बन रहा है, लेकिन आप जिस वक्त वहां थे, खुदाई चल रही थी, आप तमाम फैक्ट्स जुटा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके आप बात फैक्ट्स पर करते थे लेकिन विरोध आपका होता था, कैसा लगता था तब? नहीं, फैक्ट्स में अड़े रहे बिकॉज यू नो यू हैव टू फेस द म्यूजिक। वो मुझे पहले से पता था कि बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई कम फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी का जहन जो है ना वो बिल्कुल एक तरफा है, तो इसमें मसाइल बहुत ज़्यादा आएंगे एंड वी हैव टू फेस दम, ये मुझे पता था। तो इसीलिए जो ना ये रास्ता बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं था। के मोहम्मद साहब, हम हर दिन किसी न किसी नायक से बात करते हैं और उनके संघर्ष की कहानियों को हम दिखाते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में, लेकिन सच ये भी है कि आप क्योंकि ASI से जुड़े हुए थे, आपका काम खुदाई करना था, जो फैक्ट्स वहां से निकलकर आ रहे थे वही आप सामने पेश कर रहे थे, उसी को आप दिखा रहे थे, लेकिन कभी ऐसा पल भी आया कि सच्चाई पर चलते हुए बात आपकी नौकरी पर आई हो? हाँ, ये सब तो कई बार ऐसा हुआ है और ये सब होना ही है, क्योंकि उस टाइम में, क्योंकि कभी पहले ये पता नहीं था कि जो ना इतनी बड़ी एविडेंसेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिलेंगे, ये पता नहीं था लेकिन वो मिल गया।
उसके बाद जो ना, ये मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था इसलिए खुल के बता भी नहीं सकता, क्योंकि इट इज अगेंस्ट द कंडक्ट रूल्स ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो नौकरी जा सकता था, एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कल्चरल सेक्रेटरी है, उन्होंने आरती त्रिपाठी जी उनका नाम था, उन्होंने कहा कि आपने हाउ डिड यू मेक सच ए स्टेटमेंट, आपको इतना ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, ये फैक्ट हम लोगों को भी पता है लेकिन हमने ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा सर जो मैंने कहा है वो जो देखा है वो मैंने कहा है, और मैंने कोई मेरा कोई गलत इंटेंशन भी नहीं था, जो सच्चाई बोलना था और दुनिया की भलाई के लिए सच्चाई बोलना। तो मैंने एक संस्कृत वर्षन जो भगवद गीता के वो कोट किया, मैंने कहा ये दोग समग्रह में वापी संभाषिन कर्तुम अर्हसि, जो कुछ आप करेंगे वो दुनिया की भलाई के लिए कहा कीजिए। तो ये एक दुनिया का भलाई के लिए एक सच्चाई था, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट को बोलना चाहिए था, जो एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट को बोलना चाहिए था, तो वो मैंने कहा। तो इसमें वो बहुत ज्यादा भटक गया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अलाहाबाद का ब्राह्मण हूँ, तुम मुझे संस्कृत सिखा रहे, मैं आई एम गोइंग टू सस्पेंड यू राइट नाउ। तो मैंने उनसे कहा सर मैंने सही कहा है, सच्चाई कहा है, अब जो कुछ एक्शन आप मेरे ऊपर है तो ले सकते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेय, मैंने एक और वर्ड कोट किया, स्वधर्मे निधनम श्रेय, मैंने अपने जो धर्म है वो किया है, एंड दैट पीस ऑल्सो मोस्ट वेलकम फॉर दैट। उसमें वो एकदम हमें देखी वॉज ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन नाउ। उन्होंने कहा वेल मिस्टर मोहम्मद इट शुड हैव बीन स्पोकन बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट, यू आर एन आर्कियोलॉजिस्ट, और ये एक मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट को बोलना चाहिए था, यू आर मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन आपके ऊपर एक्शन लेने के लिए मेरे पर दबाव है करके। तो लेकिन वहाँ बहुत ये आई वॉज इन मद्रास एट दैट टाइम, तो वहाँ काफी आईएएस ऑफिसर्स और भी इनसे भी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे, आई महादेवन का नाम था, देन सम ऑफ द प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, इन लोगों ने सब इंटरव्यू किया। तो जो सस्पेंशन होने वाला था वो सस्पेंशन को फिर बाद में वहाँ से ट्रांसफर में तब्दील किया, जो आई वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मद्रास टू गोवा, बस इतना ही हुआ है, तो बच गया। तो ये सब होते रहता है जिंदगी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि पूरा मामला अगर हम देखें, बहुत समय से देख रहे हैं, संघर्ष की गाथाएं लगातार हम सुना भी रहे हैं, जाति धर्म तक ही रहा, लेकिन यहां पर जब हम बात राम की करते कि मोहम्मद साहब, तब तो आस्था की बात आती है, लेकिन इसमें भी सियासत आ जाती है। आपको क्या लगता है, राम आस्था का विषय है या सियासत का? आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, ये देखिए ये पॉलिटिशियन के लिए इट इज अ पॉलिटिकल इश्यू, लेकिन आप जो ना हिंदुस्तान के जो तमाम जो ना हिंदू लोगों के बारे में सोचें, ये उनके लिए आस्था का इश्यू है, क्योंकि मैं तो खैर तो इन सारी जगह पे कई बार घूमा हूँ, नॉट ओनली अयोध्या बाकी सारी जगह पे मैं घूम चुका हूँ, वहाँ रह चुका हूँ, वहाँ हिंदुओं के साथ रह चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि एक आम हिंदू के दिल में क्या गुजरते हैं। That I know it very well. मुझे अजीब लगता है कि उनके सामने जब मैं खुद चलता हूँ और जब मुझे एहसास होता है कि इनके दिल में क्या गुजर रहे हैं, तो अजीब लगता है, अजीब कैफियत लगाते हैं। तो उनके लिए एक आस्था का इश्यू है, एंड आई रिकमेंड आई रेस्पेक्ट दैट वन, एंड आई स्टैंड फॉर दम, एंड फॉर दैट अननोन हिंदू कम्युनिटी के लिए आई स्टैंड फॉर दम, नॉट फॉर द पॉलिटिशियंस। पोलिटिकल के लिए पोलिटिशियन आज आपके साथ हो सकता है, कल जो ना आपको बिल्कुल एकदम दे कैन होल्ड यू हाई एंड ड्राई। तो मैं ये भी पता अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो मुझे मेरे लिए ना एक पॉलिटिकल इश्यू है, ये एक रिलीजियस इश्यू है, धार्मिक इश्यू है, लोगों तक इमोशन से कनेक्टेड है, और ये अगर जो ना ये इश्यू खत्म हो जाएंगे एंड इफ यू आर इन ए पोजिशन टू सॉल्व इट वेरी वेल, वो देश के लिए अच्छा होगा, ताकि हिंदू मुस्लिम रिलेशन थे ना
और अच्छे हो जाएंगे, एंड यूनाइटेड इंडिया, दैट इज व्हाट वी वांट। एक आखिरी सवाल के मोहम्मद साहब, अब देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए महज 14 ही दिन का वक्त रह गया, बहुत कम वक्त रह गया है। जब से फैसला आया तब से लेकर अब तक आपके मन मन के भाव, और सबसे बड़ा तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस दौरान फैसला सुनाया जा रहा था आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि साक्ष्य आप ही के द्वारा जुटाए गए थे। I was under great tension. इतना ज्यादा टेंशन में तो क्या डिसीजन आएगा ऑनरेबल कोर्ट से, क्योंकि मुझे पता था कि वैसे जो कोर्ट भी जो भी होगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ आवर एविडेंस जितने भी दिया है उसके ऊपर उसके बेसिस पे जो ना बिल्कुल इट विल बी इन फेवर ऑफ द अयोध्या से, उतना तो पता था। लेकिन फिर भी क्या होगा ये पता नहीं था, बट व्हेन द जजमेंट केम मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। बहुत ही बैलेंस जजमेंट था, इतना बैलेंस जजमेंट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुसलमानों का जो उतना है उससे ज्यादा डबल जमीन भी दे दिया। तो बहुत सारे लोगों ने फिर जो ना, जैसे हिस्टोरियंस ने, उन लोगों ने फिर भी मुसलमानों को भटकाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जो ना मुसलमान उनके चंगुल में नहीं आया। क्योंकि बहुत सारे मैं जानता था कि वो क्या क्या प्रक्रिया चल रहे, क्या क्या जो ना भटकाने के लिए कोशिश कर रहे, कुछ हिस्टोरियंस जो ना कोशिश कर रहे, इन सब चीजों के बारे में मुझे पता था, मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी मिल रहा था। लेकिन बाद में वो लोग भी हथियार छोड़ दिए, अब उन लोगों ने समझ लिया कि अब मुसलमानों को बहुत ज्यादा भड़का नहीं सकते। सो ऑल ऑफ अस एक्सेप्टेड दैट डिसीजन वेरी कामली एंड वेरी क्वाइटली, एंड नाउ लेट अस कम टूगेदर। ये नहीं कि मुसलमानों को अलग करके रखेंगे, उनको भी साथ लेना चाहिए, हिंदू कम्युनिटी को उनको भी साथ लेके लेट अस क्रिएट ए यूनाइटेड इंडिया, दैट इज व्हाट वी वांट। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया के मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे, तो इस तरह एक तरह से अगर हम कहें तो आज अयोध्या आध्यात्म का महातीर्थ बन चुकी है, अयोध्या का वैभव वापस लौट रहा है, अयोध्या का दिव्य रूप फिर से नजर आने लगा है, सरयू के तट से लेकर राम मंदिर तक, मंदिर प्रांगण तक अयोध्या खिल उठी है, अयोध्या का हर कोना कोना राम के रंग से रंग चुका है, अयोध्या कई रूपों में निखर रही है, अयोध्या की एक पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है, तो अयोध्या तमाम संप्रदाय और संतों की तपोभूमि भी रही है, अयोध्या आज भक्ति की आभा से दमक रही है, सरयू के तट से अयोध्या का नजारा आज देखने लायक है, वहीं अयोध्या में विकास कार्यों की बयार उसे आधुनिकता के सातवें आसमान पर पहुंचा रही है। आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अयोध्या का स्वरूप आज कितना निखर रहा है, आज की अयोध्या कैसी है। शाम को निकले तो पूरा तो अयोध्या जगमगा रहा है, हम लोग लेजर शो देखने गए, सरयू घाट पे गए, लता मंगेशकर चौक पे गए, तो ऐसे उम्मीद नहीं करते थे कि इतना बढ़िया लाइटिंग, इतना अच्छा जो सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं, मतलब पूरा अयोध्या जगमगा गया। मैं इसको ये ऐसा बोलता हूँ कि हिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड बाई योगी एंड मोदी बोथ, सैल्यूट टू बोथ ऑफ देम। जो उन्होंने दिखाया ऐसा लगा मेला लगा हुआ है, इस समय रात के 9:30 हो गए होंगे मेरा ख्याल है, 9:30 बजे मेला लगा हुआ है। तो इससे ये आज से कई सालों पहले ही ये हो जाना चाहिए था, बहुत ही जरूरी था, लेकिन फिर भी जो अब इस समय हो रहा है ये समझिए इस वर्तमान के लिए ये रामराज्य स्थापना का एक अद्भुत दृश्य हो सकता है और बहुत ही मनोरम हो सकता है। बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत आनंद आ गया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम बधाई देते हैं मोदी जी और योगी जी को कि इन्होंने इतना जो है अच्छी तरह से अयोध्या को सजा रहे हैं, और 500 वर्षों से जो एकदम बुरी कंडीशन में अयोध्या थी आज देख के मन एकदम प्रफुल्लित हो जा रहा है। तो मेरे राम आएंगे, 14 दिन का वक्त बचा है, लेकिन इस बीच आपको अपडेट दे देते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बहुत खास माना जा रहा है। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने अयोध्या में चल रही तैयारियों को परखा भी है, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, पूजा अर्चना की, और मुख्यमंत्री के पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने भी जय श्री राम का जय घोष किया।
चलते हैं सीधा शिल्पी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अयोध्या से। शिल्पी, अयोध्या कितनी बदल रही है, क्या कुछ बदलता हुआ आप वहां पर देख रही हैं, वो सब जानूंगी, लेकिन उससे पहले आज का एक अपडेट दे दीजिए। योगी आदित्यनाथ पहुंचे, कैसा उनका दौरा अभी तक रहा? बिल्कुल, देखिए जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचते हैं तो एक एक बात की समीक्षा करते हैं। आज भी उन्होंने समीक्षा की और सबसे बड़ी बात यह है कि सामने जो प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव होने वाला है, ये महाउत्सव होने वाला है, तो इसकी तैयारियों को लेकर के उन्होंने डिटेल्स यानी जानकारी इसकी ली और विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की। क्योंकि सबसे खास बात यह है कि इस बार जिस तरह से ये उत्सव मनाया जा रहा है, सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं, हर कोई वहां पहुंचना चाहता है, लेकिन जो वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, जो जानी मानी हस्तियां जिनको श्रीराम ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है वो आ रही हैं, तो उनको लेकर के क्या तैयारियां हैं, किस तरह से अयोध्या तैयार है, इस बात की मुख्यमंत्री ने विस्तृत जानकारी ली, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लेकिन अयोध्या किस तरह से बदल रही है वो जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक बेहद खास जगह पर हूं। देखिए, ये है मौर्य मिष्ठान भंडार। आमतौर पर जब हम किसी शहर में किसी जगह पर होते हैं तो अलग अलग जगह की ऐसी दुकानें होती हैं जो उस जगह की हम कह सकते हैं कि उसको बेहद खास बनाती है। 1952 से इसी जगह पर ये दुकान है और इसके बारे में कहा जाता है कि अयोध्या का हर अच्छा बुरा दिन इस जगह ने देखा है। और यहाँ जो कचौड़ी और जलेबी आप छनते हुए देखिए देखेंगे, आप यहाँ आएंगी तो इसका स्वाद भी आप जरूर ले पाएंगी। लेकिन अभी यहाँ के लोगों ने इस जगह को, आप ये कह सकते हैं जैसे बड़े शहरों में कॉफी हाउस होता है जहाँ सब बातें होती हैं और तमाम चर्चाएं होती हैं, वैसी ही चर्चा यहाँ पर मौर्य जो जलेबी और कचौड़ी जो भंडार है यहाँ पर होता है। कुछ लोग अकेले आते हैं, कुछ लोग दूसरों के साथ बात करते हैं। आप अयोध्या के रहने वाले हैं? गोंडा से आए हैं। गोंडा से आए हैं तो यहाँ पहली बार आए हैं या? हर तेरस को आते हैं, ये महीने में पड़ती है तेरस, हर तेरस को आते हैं, हर बार आते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि भीड़ किस तरह से है। और अयोध्या जो आप बार बार आपके मन में भी सवाल है, दर्शकों के मन में भी सवाल है कि अयोध्या किस तरह से बदल रही है, उस बदलती अयोध्या की एक तस्वीर ये भी है कि दुकान अभी भी उतनी छोटी सी है, लेकिन इसको इसके बदलाव को किस तरह से देखा और महसूस किया है यहाँ के लोगों ने, वो यहाँ के लोग बता पाएंगे। इस बीच दीप नारायण जी जो लगातार लोगों को खस्ता कचौड़ी और समोसा देने में व्यस्त, बार बार खस्ता कचौड़ी और जलेबी की तस्वीरें दिखाकर आप ललचा रही हैं। हम चाहेंगे कि सीधा आप उन्हीं से पूछ लीजिए, उनकी नजर में आज अयोध्या कैसी लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल, दीप नारायण जी से पूछते हैं। दीप नारायण जी, आपने आपने हर दौर देखा है, दीप नारायण जी आपने हर दौर देखा है, आज अयोध्या कितनी बदली नजर आ रही है? बहुत ज्यादा, पूरी ही बदल गई है, बदली नहीं पूरी ही बदल गई है, चेंज हो गई है हर तरीके से। यहाँ क्या नहीं है प्रेजेंट टाइम में, एयरपोर्ट है, रेलवे है, सब कुछ डेवलप होकर रहा बुरे तरीके से, एकदम से बहुत ज्यादा रोड चौड़ी। ये दुकान तो तब से है जब कोई शायद ही यहाँ पर इतने ज्यादा लोग आते हों। हमारे पापा नहीं थे, ग्रैंडफादर थे हमारे, तब से है ये 1952 की दुकान है, थर्ड जनरेशन हम बैठे हैं ये मान के चलिए। थर्ड जनरेशन आप बैठे हैं तो मेरे मन में ये भी सवाल है कि आपने सभी दौर देखे हैं, अयोध्या के सामने जो भी बातें आई हैं, अयोध्या में जो भी बातें आई हैं, तो एक दौर तो ऐसा था जब यहाँ इतने लोग नहीं आते थे और शायद इतने लोग एक साथ खड़े भी नहीं हो सकते। पर्यटक को तो बढ़ावा इधर मिला है ना, जो है जब से फैसला आया, मंदिर का निर्माण हो गया, अब ओपन नहीं हो जा रहा है, अनलिमिटेड है, मतलब यहाँ पे इस प्रकार से मान के चलिए धंधा खत्म नहीं होना है, यहाँ बढ़ना ही है, ग्रोथ बहुत तगड़ा है यहाँ पे। ये अगर कोई दुकानदार कह दे, ये अगर कोई बिल्कुल अपने रोजगार को चलाने वाला कह दे तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात और बहुत बिल्कुल शिल्पी बात है। ये मैं लौटती हूँ आपके पास, बिल्कुल लौटती हूँ। देखिए, अयोध्या दरअसल उन सप्तपुरियों में से एक है जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है। कहते हैं कि 14 साल का वनवास पूरा करके श्री राम अयोध्या लौटे और फिर राम राज्य आया। राम राज्य की गूंज चारों दिशाओं में फैलती चली गई। अयोध्या नगरी अति प्राचीन नगरी है, ऋग्वेद के मंत्रों में सरयू नदी का जिक्र भी मिलता है और इसी पतित पावनी सरयू किनारे बसा है अयोध्या का धाम। ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है और इतना ही नहीं, वेद उपनिषद में तो अयोध्या के 12 अलग अलग नाम भी हैं, जैसे अयोध्या, आनंदिनी, प्रमोदवन, दिव्यलोक, अपराजिता। रामायण के बालकांड में भी अयोध्या का भूगोल समझाया गया है। इतना ही नहीं, बुद्ध और महावीर काल में भी अयोध्या एक संपन्न नगरी रही है। इतिहासकारों की माने तो अयोध्या नगरी 3000 साल पुरानी है।
तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या की इसी महिमा को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। शिल्पी आपके पास भी लौटेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हैं, राघव चरण अनुरागी, हरिओम तिवारी कथावाचक हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ख्याल से मैंने नाम ठीक प्रोनाउंस किया है आज। और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर मखनलाल, हिस्टोरियन भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, उससे पहले जरा मखनलाल जी आपसे जानना चाहेंगे, इतिहास बहुत बड़ा बहुत समृद्ध है अयोध्या का, आप अयोध्या को किस नजर से देखते हैं, अयोध्या का इतिहास, और अगर मैं कहूं कि त्रेता से कलयुग तक आपको कितनी बदली लगती है अयोध्या? देखिए, जब से भारतीय समाज में सनातन धर्म के मानने वालों की स्मृति है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनके लिए ये रेलिवेंट है, जिनकी स्मृतियाँ हैं, उनके लिए अयोध्या ऋग्वैदिक काल से ही अत्यंत पवित्र नगरी रही है, पूज्य नगरी रही है। मैं ऋग्वेद को और त्रेता युग के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहता, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि भारतीय मानस में त्रेता युग से भगवान राम अयोध्या साकेत का अस्तित्व हमारे मस्तिष्क में है। लेकिन जब हम एक इतिहासकार होने के नाते लिखित साक्ष्यों पर आते हैं, तो जैसा आपने खुद दिखाया, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण हैं, सब में अनवरत अयोध्या का जिक्र आता है। और एक शब्द इस्तेमाल हुआ जो मैं भी कहता हूँ, मोक्षदायिनी जी। मथुरा, काशी, अयोध्या, कांची, ये सात नगरियां ऐसी हैं जहां से आप देह त्याग करने के बाद मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष क्यों मिलता है? उन नगरी में, उन नगरों में रहने से आपका जो पवित्रता आपके साथ जुड़ती है, वो पवित्रता आपको सीधे मोक्ष की तरफ ले जाती है। अब मोक्ष का मतलब ये है कि जो लाइफ साइकिल है, ये सिर्फ सनातन धर्म में है, लाइफ साइकिल 84 लाख योनियों के बीच आप भटकते रहते हैं, लेकिन अयोध्या में रह लिए, काशी में रह लिए, प्रयागराज रह लिए, कांची में रह लिए, आप उस लाइफ साइकिल से मुक्त हो जाएंगे। और उसी मुक्त होने की बात, चाहे बुद्ध भगवान की बात होती है मोक्ष पाने की, कैवल्य की बात होती है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल। लेकिन अयोध्या का वो रूप है कि मात्र रहने से ही आपको मोक्ष मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। राघव चरण अनुरागी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहूंगी, कथावाचक भी हैं आप, जब आप अपनी कथाओं में अयोध्या का वर्णन करते हैं, अयोध्या का बखान करते हैं, तो कौन कौन से खंडों का इसमें जिक्र होता है, किस तरीके से अयोध्या का वर्णन इतिहास त्रेता से लेकर अभी तक किया गया है? सादर जय श्री राम। पहले तो जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये अयोध्यापुरी जो, इसको मस्तकपुरी कहा गया है, ये सातोपुरी का जो मस्तक होता है इसको अयोध्यापुरी कहा गया है, और इसको भगवान ने स्वयं कहा है कि अति प्रिय मोहि यहाँ करवासी। भगवान ने इसको प्रिय नहीं कहा, यहाँ पर वास करने वाला भगवान का अति प्रेमी होता है। परंतु आप अभी इसके पहले चला रही थी आध्यात्मिक अयोध्या, तो एक राम मंदिर जो स्थूल रूप से यहाँ पर बन रहा है, और इस राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए 6 प्रमुख द्वार बनाए गए, और 6 प्रमुख द्वार, एक पहला द्वार है राम द्वार, उसका नाम है, ये मानो 6 प्रमुख द्वार हैं जो अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए, मानो राम के समीप जाने के लिए ये 6 व्यवहार हमारे जीवन में होने चाहिए। तो पहला द्वार की हम चर्चा करते हैं, जिसका द्वार का नाम है राम द्वार। मैं आध्यात्मिक अयोध्या का वर्णन कर रहा हूं, और आज के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे अपने जीवन में उतार करके हम राम के समीप पहुंच पाए, इसकी कुछ सूक्ष्म में व्याख्या करता हूं जी। तो प्रथम द्वार जो बनाया उसका नाम है राम द्वार, ये इस स्थूल रूप से राम मंदिर में प्रवेश करने का द्वार है, 6 द्वार बनाया गया है। प्रथम द्वार का नाम है राम द्वार, और राम जी का स्वभाव है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम जी कौन है, जो अपने जीवन में स्प्रेड ऑफ हैप्पीनेस, जो अपने जीवन में प्रसन्नता का प्रसार कर रहे हैं, उसको कहते हैं राम। और राम के समीप जाने के लिए हमको, आपको अपने जीवन में प्रसन्नता का प्रसार करना है, और प्रसन्नता कब आएगी, तो उसके लिए भी गोस्वामी जी ने कहा, राम जी का एक बड़ा सुंदर व्यवहार था कि राम कर ही भ्रातन संग प्रीति, राम अपने भाइयों और अपने परिवार जन से अतिशय प्रीति करते थे।
तो जिसको राम के द्वार में प्रवेश करना है, राम के समीप में जाना है, उसके जीवन में पहला व्यवहार होना चाहिए कि वो वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे सनातन की नींव है, उस व्यवहार से ओतप्रोत होकर के यदि हम जीवन जिएंगे तो हम आध्यात्मिक राम और हृदय में राम मंदिर के द्वार के प्रथम द्वार में प्रवेश कर सकेंगे। इसी में दूसरे द्वार का नाम है लक्ष्मण द्वार। मैं संक्षेप में बताता हूँ, समय की बाध्यता है, तो जी दूसरे द्वार का नाम है लक्ष्मण द्वार, जिसका नाम है, और लक्ष्मण कौन है, तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जो शुभ लक्षणों से ओतप्रोत, जिसका व्यवहार शुभ होता है, जिसके जिस परिवार समाज घर के प्रति जिसका व्यवहार शुद्ध होता है, वो लक्ष्मण है। जो विरक्त रहता है, जो वैराग्य रहता है, जी जो अपने कर्मों में निरत रहता है, उसको लक्ष्मण कहते हैं। इसी के साथ जो तीसरा द्वार है वो उसको कहा गया है भरत द्वार। भरत माने कर्तव्य, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, जिसको सबके पोषण की, सबकी चिंता रहती है, समाज की, भोजन की, व्यस्त व्यवस्था की, वस्त्र की इत्यादि की, जो सबकी चिंता करता है, वो भरत द्वार में मानो प्रवेश करने की ये आचार्य संगता है। जी इसी प्रकार जो चौथा द्वार है उसको कहा गया है हनुमान द्वार। हनुमान माने जो मान रहित हो गया, जिसके जीवन में अभिमान नहीं है, उसको कहा गया है हनुमान। और हनुमान जी क्या कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि जीवन में निरंतर कार्यरत रहिए, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, परंतु ऐसा कार्य कीजिए जिसमें आपको अभिमान ना हो। तो हनुमान द्वार प्रवेश करने के लिए आपको मान रहित होना पड़ेगा। इसी प्रकार है पांचवा द्वार, जिसको कहा गया है जटायु द्वार। जटायु एक ऐसा ऐसा व्यवहार है जो स्त्री की रक्षा किया है। पूरे रामचरितमानस में कोई राम सीता जी की वचनों को सबने सुना परंतु कोई मदद करने के लिए नहीं आया। जटायु एक था जिसने ये सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आपको बोलना चाहिए, आपकी कौन सुनता है, बिना जी आपके पास कितना बल है, बिना इसका प्रचार किए। इसीलिए भगवान ने कहा कि जल भरि नयन कहि रघुराई की है तात, ये आपने अपनी गति अपने कर्मों से पाई है। उसी जी प्रकार है छठा द्वार, जिसको गरुड़ द्वार कहा गया है। गरुण माने गुण, गरुण महा गुण राशि, जो गुणों की राशि है, जिनका परिचय है कि ज्ञान और इसके साथ शीलता। तो जिसके जीवन में ज्ञान भी हो, जिसके जीवन में शीलता हो, वो गरुड़ द्वार में। ये मानो 6 व्यवहार हैं जिसको बिल्कुल अपने हृदय में राम के मंदिर में प्रवेश कराना है। 6 व्यवहारों से ओतप्रोत होकर के जीवन बहुत ही खूब, जो बहुत बढ़िया, आगे जिएगा भी हम वो आपसे राम के समीप समझेंगे। पहुंच जाएगा। बिल्कुल शिल्पी, आज आप भी अयोध्या पहुंची हैं और वैसे लगातार आप अयोध्या जाती ही रहती हैं, क्या कुछ बदला है वो भी आप लगातार हमें बता रही, लेकिन सिर्फ एक हम राम मंदिर जहां पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, अगर हम उस इलाके की बात न करके बाकी मंदिरों की बात करें, तो वहां पर क्या बाकी मंदिरों का भी उद्धार इसी तरीके से हो रहा है? अलग अलग मंदिर आप गई होंगी, आपने देखे होंगे। बिल्कुल, देखिए हर मंदिर में तैयारी हो रही है क्योंकि 22 जनवरी का दिन बहुत ही विशेष दिन है, तो अयोध्या में जो भी छोटे बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों में तैयारी हो रही है। लेकिन देखिए कुछ मंदिर ऐसे हैं जो राम कथा से जुड़े हुए हैं और जिनके बारे में मान्यता भी है, पौराणिक गाथाएं हैं। मैं आज बड़ी देवकाली जी के मंदिर में गई थी, यूं तो मैं पहले भी वहां जा चुकी हूँ, नवरात्र के अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। बड़ी देवकाली जी को माना जाता है कि वो प्रभु श्री राम की कुल देवी है, और ये कहा भी जाता है कि जब श्री राम का जन्म हुआ था तो माता कौशल्या अपने पुत्र को लेकर के वहां दर्शन कराने के लिए आई थी, और इस वजह से बहुत ज्यादा मान्यता उस मंदिर की है। और आज भी आसपास के क्षेत्रों में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। इसके साथ ही जब विवाह होता है कहीं आसपास तो भी लोग वहां आते हैं, क्योंकि श्री राम की कुल देवी है इसलिए मान्यता भी उनकी बहुत ज्यादा है। और अगर आप देखें तो अयोध्या के जो मंदिर हैं सबकी अपनी अपनी विशेषता है, चाहे वो कनक भवन हो, चाहे वो हनुमान गढ़ी हो या नागेश्वर नाथ मंदिर हो, सबकी अलग विशेषता है। और अगर हम बड़ी देवकाली जी की बात करें तो एक ही शिला पर काली, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों ही देवियों का स्वरूप है, अपने आप में अनुपम है ये प्रतिमा। लेकिन बात वही है कि जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था तो माता कौशल्या वहां लेकर के पहुंची थी, इसलिए आज जब भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम अयोध्या लौट रहे हैं,
तो वहां भी लोगों में उत्साह है और बड़े आयोजन की तैयारी है। 22 तारीख से पहले ही वहां आयोजन शुरू हो जाएंगे और वहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचेंगे उन आयोजनों के लिए। चलिए शिल्पी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अयोध्या में ही है, तमाम रंग हमें दिखाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, दोनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब अयोध्या की बात करते हैं तो क्या वही बात जो मैंने शिल्पी से भी पूछी कि एक मंदिर वो जहां पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं वहां पर, उनमें क्या कुछ बदलाव आया, क्या ऐतिहासिक जो मंदिर है या फिर उसके अलावा भी दूसरे मंदिर बनाए गए वहां पर? देखिये, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं अयोध्या कई बार गया हूँ और 1976-77 में जब अयोध्या में खुदाई हो रही थी तो मैं भी विद्यार्थी शोधार्थी के रूप में उस खुदाई का हिस्सा था। अयोध्या के अभी जो मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं और तमाम हैं, सबका अपना महत्व है, लेकिन मैं खास कर तीन मंदिरों का जिक्र करना चाहूँगा। दो अयोध्या में हैं, एक अयोध्या से बाहर। अयोध्या में रामगढ़ी मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर का जिक्र करना बहुत जरूरी है। राज्याभिषेक के बाद भगवान जब सिंहासन पे बैठते हैं, सब आते हैं, जैसा होता है राजा के सम्मुख खड़े होते हैं, सबको भगवान स्नेह करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन वो तमाम तरह के गिफ्ट देते हैं। हनुमान जी हमेशा की तरह उदासीन चुपचाप किनारे बैठे थे। जब सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो हनुमान जी बहुत धीमी आवाज़ में कहते हैं, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। वो ये नहीं कहते कि हमको क्या दे रहे हैं, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। और उसका नतीजा ये होता है कि भगवान राम कहते हैं, अयोध्या की सबसे ऊंची जगह पर तुम्हारा आसन होगा, ऐसी जगह से जहां से कि पूरी अयोध्या नगरी और उसके आसपास का क्षेत्र तुम्हारी आंखों के सामने होगा और सबसे पहले पूजा तुम्हारी होगी। दूसरा कनक भवन, कनक भवन भी मैं कई बार गया, जैसा बताया कि 1976 से कई बार गया। कनक भवन आप शायद जानती होंगी, सीता जी जब ब्याह के आई तो कनक भवन कौशल्या ने उन्हें गिफ्ट के रूप में दिया, ये महल है तुम्हारे रहने के लिए, और वहाँ बहुत बड़ा उसका महत्व है। तीसरा जो मैं आज जरा अलग हट के याद दिलाना चाहता हूँ वो है नंदीग्राम। जब 1976-77 में मैंने खुदाई में बीबी लाल साहब के अंडर में कर रहा था तो मुझे नंदीग्राम दिया गया कि वहाँ आप जाइए। तो मैंने पूरा पढ़ा कि नंदीग्राम का क्या महत्व है। उस समय आपको शायद पता होगा कि जब भरत चित्रकूट से लौट के खड़ाऊ लेके आते हैं तो कहते हैं कि अयोध्या भगवान राम की राजधानी है, मैं वहां बैठ के शासन नहीं चलाऊंगा, मैं तो केयर टेकर हूं। तो उन्होंने नंदीग्राम में बैठकर 14 वर्ष एक झोपड़ी में खड़ाऊ रख के पूरा शासन चलाया। और आज अगर नंदीग्राम में जाइए तो भरत की पूजा होती है, वहां एक कुंड है। तो ये सारी चीजें मिलकर पूरी राम जन्म की ही बात नहीं है, राम के जीवन से संबंधित जितनी चीजें हैं उसकी पूरी कहानी अयोध्या में उभर के आती और है। राघव चरण अनुरागी जी, यही बात आप कह रहे थे कि एक तीर्थ है अपने आप में, अगर आप वहां पर मौजूद हैं और अगर आपका जन्म हो रहा है तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। इन तीनों मंदिरों का जिक्र भी किया है प्रोफेसर। मैं आपको एक कुछ बताना चाहता हूं कि इस शरीर का भी सौभाग्य है कि मैं अवध का वासी हूं। तो प्रोफेसर साहब को दो तीन चीजें, एक तो जो आपने कनक भवन सरकार की बात कही है तो कनक भवन साक्षात इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया है, शायद आपका वो स्लिप टंग हो गई होगी, उसका कैकेयी माँ ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया है ये भवन। और इस भवन का जो जीर्णोद्धार हुआ है उस जीर्णोद्धार किसी और ने नहीं किया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका जीर्णोद्धार किया है। देव की रुक्मणी जी के साथ भगवान ने आकर के इसका पूजन किया है और इसका जीर्णोद्धार किया है। और इसके पीछे की एक आपको और मैं घटना सूक्ष्म में बता दूं, ये भवन कोई साधारण भवन नहीं है, इस भवन की प्रत्येक इसको बनाने के लिए स्वप्न में जब महारानी को स्वप्न हुआ था तो इस भवन को ईंट को एक एक ईंट को बनाने की एक शर्त रखी गई थी कि जितने भी मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं सब श्री सीताराम भगवान नाम अमृत के साथ नृत्य करते हुए एक एक ईंट रखेंगे
इसी शर्त पे ये जो महल बना है कनक भवन सरकार का, उसकी एक एक ईंट में श्री सीताराम जी के आज भी नाम धुन की ध्वनि आती है यदि आप कानों में लगा करके सुनेंगे तो। तो सबसे महत्व यदि कनक भवन सरकार का है तो कनक भवन सरकार में साक्षात आज भी राघव जी और सियाजू महारानी वहां पर साक्षात रूप से प्रकट हैं, और इसके बहुत सारी कहानियां हैं, समय का है। दूसरा जो नंदीग्राम में है, तो नंदीग्राम में प्रभु भैया भरत जी ने अपने शरीर से 1.5 हाथ नीचे खुदाई करके वहां पर वास किया है, और खड़ाऊ जी को जाके, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रभु कर कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीश धर लीनी, और भरत जी को वो श्री सीताराम जी ने खड़ाऊ के रूप में स्वयं प्रकट हो करके उस जाकर के उनको संभार भरत चलाने के लिए, क्योंकि भरत जी ने कहा प्रभु मैं जा तो रहा हूं लेकिन आज मुझे कुछ अवलंबन दीजिए, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मैं अवध का राज चला सकूं। तो प्रभु ने समझ गए, प्रभु क्यों, क्योंकि भक्त को क्या चाहिए, भक्त को प्रभु के चरण कमल की प्रीति ही चाहिए, इसलिए भक्त को सबसे बड़ा आधार कुछ और नहीं है, इसलिए प्रभु ने स्वयं, प्रभु कर कृपा, स्वयं अपने हाथों से प्रभु ने वो खड़ाऊ दिया, और उस खड़ाऊ को भरत जी ने जाकर के अयोध्या के राज सिंहासन पर पधरा करके, और पूछ पूछ भरत जी राज सिक्का संभार करते थे। तो ऐसी अयोध्या है जहां पर हनुमानगढ़ी की बात हनुमंतलाल सरकार किया, क्या कहा जाए, अद्भुत है, एक एक कण में राम है वहां। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अयोध्या का वर्णन बहुत ही खूबसूरती के साथ आप दोनों ने किया, हालांकि बहुत कुछ कहने को समझने को है, लेकिन हर दिन हमारी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, तो चलिए मेरे राम आएंगे, 14 दिन का बस और इंतजार है। और अच्युतानंद हे मां।
कृष्ण राम दरम हस्ते।